हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच पठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और जुनून रखने रखते हैं रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वो अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एस आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन पर बंधन करते हैं रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनचुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहां जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनकी बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल नजर आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा का रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवी डॉक्टर शाही का रोल मेनेजा है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी की रोल नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल बनेजा है एकता कल श्वेता बजाज के रोल में नजर आया दिगंता हजिर का जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल मैनेजर है रजत कौल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंजमैन का रोल मैनेजर है मनशीत तकशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मेनेजा है राकेश खत्री ए सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का जा रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेड एंटन का रोल मेनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मेजर है निखात खान सब्बा का रोल मैनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल मैनेजर हैं इस मूवी का कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और जुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉप्टर सहनी और दफ्तर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथुरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रदमन प्रबंधन पर प्रबंधन करते जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भी भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों से का एक जाल में फंसाकर कर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबिना को पता चलता है कि बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहां जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा सेवानित होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलोवादी डॉक्टर सहानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी की रोल नजर आया साजी चौधरी राजा के रोल में नजर आया एकता कौल शवेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हजरिका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मैनेजर है आकाश भतीजा अमोल का रोल मैनेजर है रजत कोल राफे का रोल मैनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मैनेजर है रूमी खान जिम्स हैंचमैन का रोल मैनेजर है मनसी तकसक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मैनेज है राकेश खत्री एटीसी टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्सरी का रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवे एंटन का रोल है चल रचलमैन मुलिंस एलिस के रोल मना जाए निखात खान सब्बा का रोल मना जा रहा, में जा रहा। है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल में रहा है इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साक्षित पाउलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलहारा ने अंकित बलहारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बटान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने जुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर शाहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वो अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एस आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों है दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्तबीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के, के बारे में र, 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 राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा का को मार में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा का रोल मनेजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सहानी का रोल में जा रहा प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल में जा रहा एकता कल श्वेता बजाज का रोल में माना जाए दिगंता का जोसफ मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कौल राफे का रोल में नजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मनाजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल मैनेजा है मनशीत तकशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रुबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मेनेजा है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल मैनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मेनेजा है निखात खान सब्बा का रोल मैनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल मैनेजर है इस मूवी का स्टार है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत आघात और चोट से वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर सहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथुरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मित्र घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रदमन प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था वह पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते हैं जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों से का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटोनोनेटर चूरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंककर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा के रोल में नजर आया एकता कौल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हजरका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में मैनेजर आए वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल रहा है आकाश भतीजा अमोल का रोल रहा है रजत कोल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल में मैनेजर है मनसी तकसक जिम की वाइफ का रोल में मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमन प्रीत हुल रूबे के मदर का रोल में मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल में मैनेज है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्सरी फैद रोल में मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेड ra, एंटन का रोल मना जा रहा है चलमैन मुलंस एलिस के रोल में निकात खान सब्ब्बा का रोल मना जा रहा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल में नजर है इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित पाउलो जिन्हें दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलहारा ने अंकित बलहारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 3.9 स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इसमें उन्होंने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर शाहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत तो घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वो अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई, आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रदमन प्रबंधन पर बंधन करते हैं जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनचुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा का रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवी डॉक्टर शाही का रोल मेनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल माना जा एकता कौल श्वेता बजाज के रोल मनेजर है दिगंता हजीका का सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल में नजर आया आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कौल राफे का रोल में मैनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल में मनेजर है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल मैनेजा है मनशी तखशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ तो सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मेजर है राकेश खतरी ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा फैयद फैद रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल मैनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मेनेजा है निखात खान सब्बा का रोल मैनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर है इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साक्षित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत आघात और चोट से वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉप्टर सहनी और दफ्तर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मित्र घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडोवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन प्रबंधन करते जहाँ रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी टेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों से का एक जाल में फंसा कर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटोनोनेटर चूरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बेहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथौरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूक के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल में नजर आया एकता कौल शवेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हजरिका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरफ पटेल ऋषि आर्या का रोल मैनेजर है आकाश भतीजा अमोल का रोल मैनेजर है रजत कोल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंचमैन का रोल मैनेजर है मनसी तकसक जिम की वाइफ का रोल रहा है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल रहा है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल रहा है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल रहा है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल रहा है मुस्तफ़ा अक्सरी का रोल रहा है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेड एंटन का रोल मना जा रहा है चलमैन मुलिंस एलिस के रोल में जा रहा। निखात खान सब्ब्बा का रोल मना जा रहा, में जा रहा। है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मना है इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित पाओलो जिन्हें दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलहारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी दै। के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इसमें मूव ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर शाहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी, उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देशी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई, आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के, के बारे में र, 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 राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रुबिना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवान्वित होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल नजर आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा का रोल मैनेजा है प्रकाश बेलोदी डॉक्टर सहानी का रोल बनेजा है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूक के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल बने जा एकता कल श्वेता बजाज का रोल माना है दिगंता का जोसब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कौल राफे का रोल मनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मनेजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल मैनेजर है मनशी तखशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मैनेजर है रकेश खतरी ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैद रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल मैनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मेनेजा है निखात खान सब्बा का रोल मैनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल मनेजर है इस मूवी का स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित पावलो जिन्हें दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक की रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इसमें उन्होंने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बटान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई के हाथ। तो मौत का जिम्मेदार उसका देशी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई, आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्तबीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रुबिना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डेटो नेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पठान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा के रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सहानी का रोल मनेजा है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल मनेजा है एकता कौल श्वेता बजाज का रोल मनेजा है दिगंता का जोसफ मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मेनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल मनेजर है रजत कल राफे का रोल मनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मनेजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल में नजर आया मनशी तखशक जिम की वाइफ का रोल में मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल में मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रूबे के मदर का रोल में मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल में नजर है रकेश खतरी ए टी सी सुपरवाइजर के रोल में मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल में मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल में नजर मैनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल में मेनेजा है निखात खान सब्बा का रोल में मेनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर आए हैं इस मूवी का स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित जी ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉप्टर शाह और दफ्तर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन पर प्रबंधन करते जहाँ रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते हैं जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सैनिकों का एक जाल में फंसा कर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंककर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीणा के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नज़र आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नज़र आया साजी चौधरी राजा के रोल में नजर आया एकता कोल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हाजीका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ फटेल ऋषि आर्या का रोल रहा है आकाश भतीजा अमोल का रोल रहा है रजत कोल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंचमेन का रोल में मैनेजर है मनशी तकसक जिम की वाइफ का रोल में मैनेजर है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल में मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रुबे के मदर का रोल में मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल में मैनेज है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्सरी फैयद रोल में मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेड एंटन का रोल मना जा रहा है चल मैन मुलंस एलिस के रोल मना जाए निखात खान सब्ब्बा का रोल मनाया जा रहा, खान में जा रहा।, खान, में जा रहा। का है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल रहा है इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पाओलो जिन्हें दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इसमें मूव बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई है यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी मुझ... का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बटान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर शाहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी, उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों तो मौत का जिम्मेदार उसका देशी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई, आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुँचने काबंधन पर बंधन करते हैं जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जोन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथौरा के रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सहानी का रोल मैनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल मेनेज है एकता कौल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता का जोसफ मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मैनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मैनेजर रहा है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल मेनेजा है मनसी तकसक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल नजर है रकेश खतरी ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मानाजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल मनेजर है रचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मनेजा है निखात खान सब्बा का रोल मनाजा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर आए हैं इस मूवी का स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाह और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन प्रबंधन करते जहाँ रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था उप पठान पुलिस और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए ऋढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते हैं जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में र, र, राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों से का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीणा के रोल में नजर आती है जॉन अब्रह जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलोदी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नज़र आया साजी चौधरी राजा के रोल में नजर आया एकता कौल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हाजीका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल रहा है आकाश भतीजा अमोल का रोल रहा है रजत कोल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंचमैन का रोल रहा है मनशी तखशक जिम की वाइफ का रोल रहा है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल रहा है अमनप्रीत प्रत हुल रूबे के मदर का रोल रहा है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल रहा है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल रहा है मुस्तफ़ा अक्सरी का रोल रहा है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेड एंटन का रोल मना जा रहा है हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मनाया निखात खान सब्बा का रोल मना जा रहा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल जा रहा है इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित पाओलो जिन्हें दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 3.9 स्टार मिले यह ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गई इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी या कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच पठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने ज़ुनून रखने रखते हैं रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर शाहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वो अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी, उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों तो मौत का जिम्मेदार उसका देशी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एस आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुँचने का प्रबंधन पर बंधन करते हैं जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने बीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदरी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहां जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जोन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथौरा के रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सहानी का रोल मैनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल मैनेजर है एकता कौल श्वेता बजाज के रोल में नजर आया है दीगानता का जोसफ मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल में नजर आया आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कौल राफे का रोल में मैनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल में मैनेजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमैन के रोल मेनेजा है मनशी तकशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मेनेजा है रकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मेनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद के रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटन का रोल मनेजर हैचल मैन मुलिनस एलिस के रोल मनेजर है निखात खान सब्बा का रोल मनाजा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर आए हैं इस मूवी का स्टार स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स संचित बल्हारा ने अंकित बलहारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी मु... का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुमंद पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से सेवनिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और जुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाह और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधान प्रबंधन प्रबंधन करते जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था उप पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए ऋढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के से सैनिकों का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते हैं जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंककर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल का रोल में नजर आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल में नजर आया एकता कोल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हाजीका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल रहा है आकाश भतीजा अमोल का रोल रहा है रजत कोल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंजमैन का रोल रहा है मनसी तक्षक जिम की वाइफ का रोल रहा है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल रहा है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल रहा है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल रहा है रकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल रहा है मुस्तफ़ा अक्षर फैयद का रोल रहा है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवेर एंटन के रोल मना जा रहा है चलमैन मुलिंस एलिस के रोल में नजर जाए निखात खान सब्बा का रोल में नजर रहा सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल में मना जाए इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पाउलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 3.9 स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूव ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एस आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुँचने का प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने बीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुरु डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के, के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करती है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा का पठान जेट के साथ का करता और वे एक में, में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जोन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लाथोरा का रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सहानी का रोल मैनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल मेनेजा है एकता कोल श्वेता बजाज के रोल में नजर आया दिगंता हाजिर का जोश मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल में नजर आया आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कौल राफे का रोल में मनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल में मनेजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमेन का रोल नजर आया मनशी तक्षक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुंडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल नजर है रकेश खतरी ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मेनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल मैनेजर है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटेन का रोल मनेजर है रचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मनेजा है निखात खान सब्बा का रोल मनाजा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर आए हैं इस मूवी का स्टार है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बटान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से सेवनिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉप्टर सहनी और दफ्तर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमी पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधन प्रबंधन प्रबंधन करते जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था उप पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए ऋढ़ संकलित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते हैं जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लथूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बेहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदिनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल में नजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलवादी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल नजर आया साजी चौधरी राजा के रोल में नजर आया एकता कोल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हजीका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आए वीरभ फटेल ऋषि आर्या का रोल मैनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कोल राफे का रोल मैनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मैनेजर है रूमी खान जिम्स हैंचमैन का रोल में नजर आया मनसी तक्षक जिम की वाइफ का रोल में नजर आया आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल में नजर आया अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल में नजर आया कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल में नजर आया राकेश खत्री ए सुपरवाइजर के रोल में नजर आया मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल में नजर आया जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड गोल्डवेर एंटन का रोल मना जा रहा है चल मैन मुलिंस एलिस के रोल मना जाए निखात खान सब्ब्बा का रोल मना जा रहा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल मना है इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पाउलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 3.9 स्टार मिले हैं मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूव ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच पठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोविड रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है, जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की, के जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तृत किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों है दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधन प्रबंधन पर बंधन करते जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्तबीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाती है जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में र, 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 राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सैनिकों का एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहां जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथान और टाइगर को सेवानित होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल मैनेजर आया आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथौरा का रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवी डॉक्टर सानी के रोल मनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल नजर आया साजी चौधरी राजा के में जाया, के में जाया, का रोल मनेजा है एकता कौल शवेता बजाज का रोल में नजर आया दीगानता हाजिर का जोशब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल में नजर आया आकाश भतीजा अमोल के रोल में नजर आया रजत कल राफे का रोल में मैनेजर है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल में मनेजर आया है रूमी खान जिम्स हैंजमैन का रोल मेनेजा है मनशी तकशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मेनेजा है रकेश खत्री ए सुपरवाइजर के रोल मेनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद के रोल मैनेजर आया है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड एंटन का रोल मनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मनेजर है निखात खान सब्बा का रोल मनाजा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ के रोल मनेजर आए हैं इस मूवी का स्टार स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का ने दिया है और इस मूवी को एनिट, एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बटान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवट रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती जो अतीत में आघात और चोट से सेवनी वृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर सहनी और दफ्तर फारूकी का अपहरण करने के जिम वैज्ञानिक काफी काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन प्रबंधन करते जहाँ बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था उप पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि आ, पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई, आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते हैं जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकिन सैनिकों से का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते हैं जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबिना को पता चलता है कि बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा वे विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पथावन और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राहम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल मैनेजर आया है आशुतोष रानर कोलिन सुनील लथोरा के रोल में नजर आया प्रकाश बेलोदी डॉक्टर सानी के रोल में नजर आया प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी रोल में नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल में नजर आया एकता कौल श्वेता बजाज के रोल मैनेजर है दीगानता हाजिरका जो सब मैथ्यूज़ के रोल में नजर आया वीरफ पटेल ऋषि आर्या का रोल रहा है आकाश भतीजा अमोल का रोल रहा है रजत कोलराफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल रहा है रूमी खान जिम्स हैंचमैन का रोल रहा है मनशी तक्षक जिम की वाइफ का रोल रहा है आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल रहा है अमनप्रीत हुडल रूबे के मदर का रोल रहा है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल रहा है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल रहा है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल रहा है जाफरी आदम गोल्ड गोल्डवे एंटेन का रोल में नजर आयाचलमैन मुलिंस एलिस के रोल में जाए निखात खान सब्बा का रोल मना जा रहा है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल में न जाए इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी साचित पाउलो ने दिया है और इस मूवी को एनिट एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और मुझे, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 3.9 स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ पचास करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम पठान मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम पठान मूवी का स्टोरी बताते हैं 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है वह जिम के साथ एक अनुमंद पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के नेतृत्व करता है इस बीच बठान एक रो एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवट रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है। जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने और ज़ुनून रखने रखते हैं रोग के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लथुरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की जिम वैज्ञानिक का काफिला पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं मुख्यालय में लथूरा ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रो एजेंट थे जिससे सालों पहले मृत तो घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को का नाटक किया था वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसकी उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोम लियाई आतंकवादियों के हाथ तो मौत का जिम्मेदार उसका देसी है पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन का हस्तरित किया गया था वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहाँ उसे भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आई, आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रधमन प्रबंधन पर बंधन करते हैं जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है यह पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वह कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है जैसा कि नंदनी मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया जा किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भुन भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता और जिम के डे रोफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वह रूस में अपने ठिकानों पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकानों का खुलासा करती है पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैल फैलाने की योजना बना रहा है वह यह भी बताती है कि ठीक पठान को धोखा देने के बारे में से यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहाँ पठान और उनकी टीम लैब हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाता है और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रमित वैज्ञानिक नंदन के साथ लैब में मर जाते हैं जिसे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो नष्ट हो जाते हैं जिम चौबीस घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्ट, अल्टीमेटम देता है पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है जिम के सेकेंड सैनिकों का एक जाल में फंसाकर पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डों पर हमला करते है जहाँ वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली और उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में वह पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डोन डेटोनेटर है लतूरा हुए विमान को फोन किया केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जहाँ जिम द्वारा छुरा छुपाने के बावजूद पठान ने डोटे नेटर चूरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम के चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख रूप में बनाया गया जबकि नंदनी की उनके बहादुरी के लिए मरणोप्रांत सम्मानित किया गया क्रेडिट के बाद इसमें पठान और टाइगर को सेवा नित्य होने का युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं शाहरुख खान पठान के रोल में नजर आते हैं रो एजेंट दीपिका का दीपिका पादुकन डॉक्टर वीना के रोल में नजर आती है जॉन अब्राम जिम के रोल में नजर आते हैं डिम्पल कपाड़िया डॉक्टर नंदी ग्रेवल के रोल मैनेजर आया आशुतोष रानर कोल्लिनिल सुनील लाथोरा का रोल मैनेजर है प्रकाश बेलवी डॉक्टर सानी का रोल मनेजर है प्रेम झंगानी डॉक्टर फारूकी के रोल नजर आया साजी चौधरी राजा का रोल में जा रहा एकता कोल श्वेता बजाज का रोल में नजर आया दीगानता हाजिर का जोसफ मैथ्यूज़ के रोल में मैनेजर है वीरभ पटेल ऋषि आर्या का रोल मनेजर है आकाश भतीजा अमोल के रोल मनेजर है रजत कल राफे का रोल रहा है मनीष वाधवा जनरल कादिर का रोल मनेजर रहा है रूमी खान जिम्स हैंजमैन का रोल मैनेजर है मनशी तकशक जिम की वाइफ का रोल मैनेजर आए आशुतोष सिंह रूबे के फादर का रोल मैनेजर है अमनप्रीत हुडल रूबे के हुंडल की मदर का रोल मैनेजर है कैथ सकीरा कैप्टन मेहरा का रोल मैनेजर है राकेश खत्री ए टी सी सुपरवाइजर के रोल मैनेजर है मुस्तफ़ा अक्षरी फैयद का रोल मैनेजर आया है जाफरी आदम गोल्ड गोल्ड वेड एंटेन का रोल मैनेजर हैचल मैन मुलिंस एलिस के रोल मैनेजर है निखात खान सब्बा का रोल मनेजर है सलमान खान अविनाश टाइगर सिंह राठौर के रोल मैनेजर है इस मूवी का स्टार स्टारकास्ट चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि स्टोरी वाई सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सेनेमाटोग्राफी साचित पावलो ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई संचित बलारा ने अंकित बलारा और सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड़ की बजट है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार मिलेगा ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से तीन पॉइंट नौ स्टार अच्छा रेटिंग है ये यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया गाइज इस मूवी का बजट अढ़ाई करोड़ है और इस मूवी उन्हें बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी का स्टोरी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें